सलाम अलैकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अदरक को किस तरीके से रख सकते हैं, 2 से 2.5 महीने फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 बातों का बड़ा ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा पुराना या फिर जाल वाला ज़्यादा एज का अदरक नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा जो कच्चा और एकदम सॉफ्ट अदरक आती है, हल्की सी हरे या पीलेपन पर होती है, वो भी नहीं लेनी है। आप मार्केट से अदरक लाने के बाद अच्छे से उसको धो लीजिए। हो सके तो पूरी रात भर के लिए या फिर पूरे दिन के लिए उसको धोने के बाद आप छोड़ दीजिए, ताकि इस तरीके की एकदम से खुश्क हो जाए। जब आप इसको फ्रीज कर रहे हों तो इसके ऊपर कहीं पर भी पानी नहीं होना चाहिए, वो वहीं क्रिस्टल बन जाएगा और वो वहीं से आपकी अदरक गलनी शुरू हो जाएगी। अदरक को अच्छे से चेक कीजिए, कहीं से ख़राब या सॉफ्ट हो तो हल्का सा हटा के उसको पीसने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की सूखी हुई अदरक ले लीजिए आप, और हो सके तो इस तरीके की बढ़िया सी अदरक लेकर आएं आप, और खुश्क होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का एक डब्बा ले लेते हैं, एयर टाइट डब्बा ले लेते हैं। आपके पास डब्बा नहीं है तो इस तरीके का जिपर ले लीजिए, जिपर भी नहीं है तो जिसके अंदर सामान आता है पोलोथीन जो होती है आप वो भी ले सकते हैं, उसके अंदर अच्छे से गांठ लगा के आप उसको भी रख सकते हैं। तो ये देखें, इसकी हम पूरी हवा बाहर कर देते हैं और उसके बाद इसको पैक करके यूं करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरीके का डब्बा ले लीजिए तो वो सबसे बेहतर है। इसका ढकना लगा देते हैं हम, और ढकना लगाने के बाद अच्छे से यूं पैक किया और यूं रख दीजिए, और जब ज़रूरत हो तो इसको खोल के आप जितनी अदरक की आपको ज़रूरत है उतना पीस तोड़ लीजिए, आसानी से टूट जाएगा और फिर और रख सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि हमें पीसनी है तो पीस के फिर आप उसको यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसी अदरक को हमने छील लिया है, छील के ये कट भी कर लिया है। एक मिक्सी का ग्राइंडर ले लेते हैं, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी करके पीस लेते हैं, 2 दफ़ा में कम से कम पानी डालकर पीसते हैं। अभी हमने इसमें लहसुन पीसा था, इसी में पीस लेते हैं। ये देखें, हमने ये अदरक पीस लिया है, इसको आप इस डब्बे के अंदर डाल सकते हैं। एयर टाइट डब्बा है हमारा, प्लास्टिक का ही डब्बा है, थोड़ा पानी डाल के पीसा है हमने इसको, डब्बे के अंदर रखना है। और ये देखें, इसका आप ढकना लगा के इसको 2 से 2.5 या 3 महीने भी 4 महीने आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, और इसमें अच्छे से ये थिक हो जाएगा जम के। और आप इसका कलर नोट कर लें, बिल्कुल यही कलर और जायका यही रहने वाला है। जब आपको इसकी ज़रूरत हो फ्रीज़र में से बाहर नीचे रख दीजिए फ्रिज में, और जितनी ज़रूरत हो जब ये सॉफ्ट हो जाए उतना निकाल लें, बचा हुआ फिर से रख सकते हैं। या फिर नीचे सिर्फ इसको आप 10 से 12 दिन ही सिर्फ फ्रीज में रखें सॉफ्ट होने के बाद, और ठीक आराम से 4 महीने तक रख सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसके जिंजर क्यूब यानी कि बर्फ की जो ट्रे होती है आप डब्बे में रख सकते हैं फ्रीजर में, जैसे मैंने दिखाया है बड़ा वाला, या फिर इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीज की ट्रे ले लीजिए, उसके अंदर 1-1 टीस्पून ये डाल के पेस्ट, और आप इसको फ्रीज कर लें। और जब इसके जिंजर क्यूब बन जाए इस तरीके से, तो आप इसको एयर टाइट जिपर के अंदर रख दीजिए, जब भी ज़रूरत हो सिर्फ 1 पीस निकाल लीजिए। हाँ, इसको जब फर्स्ट टाइम रखेंगे 1-8 दिन के बाद यूँ हिला दीजिए ताकि ये आपस में ना चिपके, सिर्फ 1 बार। तो इस तरीके से आप अपना लहसुन, ये अदरक जब सस्ता हो जब ले सकते हैं, और इस तरीके से इसको फ्रीज कर सकते हैं, पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। सस्ते और महंगे के अलावा भी इसमें आपका वक्त भी बचेगा। वक्त के अलावा जो सर्दियों में और लास्ट में जो बढ़िया वाली अदरक आती है वो गर्मियों में बिल्कुल नहीं आती है, सूखी सूखी सी अदरक आती है। तो पूरा फायदा उठाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें। किचन की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हमें पता होगा तो इंशाल्लाह हम उसका पूरा पूरा हल देने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी जो भी वीडियो देखें उनको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह।